रहें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें ढेर सारी दवाओं के साथ। हानिया फूड से आज मैं आपके लिए लेके आई मार्बल केक की रेसिपी। मार्बल केक बहुत ज़बरदस्त और मज़े का बनता है। आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। मुझे 1.5 कप मैदा चाहिए, 1.25 कप के करीब मैदा चाहिए, 1/2 कप मुझे दूध चाहिए, इसमें 1/2 कप मुझे ऑयल चाहिए, चीनी 1/2 कप चाहिए और ड्राई मिल्क सूखा दूध मुझे चाहिए 3 टेबल स्पून के करीब, और इसमें 1 टेबल स्पून भर के मुझे चाहिए बेकिंग पाउडर का, और 1/4 टीस्पून मुझे चाहिए बेकिंग सोडा, वनीला एसन, और मुझे दूध में मैं बटर मिल्क बनाने 1 टीस्पून मैंने इसमें सिरका डाल दिया है विनीगर। इसको मैं मिक्स करके अच्छे से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 1/2 कप के करीब मैंने मैदा लिया था, 1/4 टीस्पून इसमें मैं सोडा डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ड्राई मिल्क डाला। ड्राई मिल्क से इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त बनता है, सॉफ्ट केक बनता है। और आज मैं मार्बल केक आपको विदाउट अंडों के बनाना बताऊंगी, विदाउट एग के। इसी के अंदर आप चीनी डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इन चीज़ों को हमने बहुत, अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे जो मैंने आपको बताया था 1/2 कप के करीब, वनीला एसन इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर हम मिल्क डालेंगे जो हमने बटर मिल्क बनाया है विनीगर डाल के, इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। केक के बैटर को बहुत अच्छे से आपने बीट करना है, लिक्विड फॉर्म में लेके आएंगे तो फिर जो हम इसको मार्बल केक बनाएंगे वो आपस में कलर मिक्स हो जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से आपने बीट करना है। इस बैटर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इसके अंदर हम रेड कलर डालेंगे, रेड फूड कलर, ये देखें। अब हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसके अंदर, इसको हमने अच्छे से टैप करना है। बैटर को आपने थिक रखना है, इसको बिल्कुल पतला नहीं करना, नहीं तो आपस में कलर मिक्स हो जाएंगे। और मज़े का बैटर टैप करना है, फैलाना है। अब हम फिर इसी के ऊपर डालेंगे सेंटर में। ऐसे ही सारी लेयर्स लगाने जाते हैं, लगाते जाएंगे। अब हम इसको बेक करने लगे हैं, तो चेक करेंगे। केक हमारा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया, ये देखें बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इसको निकालते हैं। बस कितना ज़बरदस्त बना है, अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। रेडी हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त और मज़े का बना है। ये देखिए कितना फ्लफी और अंदर तक पका हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इसको गर्म गर्म ही काट लिया है, विदाउट ओवन के और विदाउट अंडों के मैंने बनाया है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों में, अपने फ्रेंड से। हानिया फूड से मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।